हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर वीक, हर मंथ आप सभी के लिए कोई ना कोई बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ, और बिजनेस आइडिया इतना यूनिक लेकर आता हूँ कि आप लोग उस पर अमल करें। अमल करने के बाद आप लोगों के लिए ऐसा बिजनेस आइडिया है कि आज आप ये सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये बिजनेस आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया। तो मैं जो भी बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ, वो सारे बिजनेस आइडिया पहले यूज करता हूँ, उसके बाद मैं आप सबके सामने लेके आता हूँ। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है, वो बिजनेस आइडिया पहले मैंने खुद ने यूज कराया, और यूज करने के बाद मैं आप सब लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो जैसे कि जो जो बिजनेस आइडिया है, वो बिजनेस आइडिया सारे यूनिक दिए हैं मैंने। मैं कहता हूँ कि उस पर थोड़ा सा वर्क करने की देरी है। कोई भी बंदा कहीं भी हो, गांव में हो, शहर में हो, किसी टाउन में हो, कहीं भी हो, दो बंदे हो, एक बंदा हो, कोई भी हो, सब बंदे उस काम को कर सकते हैं। मैं ऐसे आइडिया लेके आता हूँ। तो आज का यूनिक आइडिया आप सभी को लिए मैं अभी बताने जो जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना और अच्छी तरीके से उस पर अमल करना। आप सभी के सामने मैं जो बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, वो है ये। ध्यान से देखिए, ये वाला बिजनेस आइडिया है, ठीक, बहुत कम पूंजी में, जरा सी सी पूंजी में ये होने वाला आइडिया है, ठीक। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जो हर घर में यूज होता है, और हर घर में यूज होता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी सेल अच्छी है, और इसकी सेल अच्छी है इसीलिए ये बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया है। आपको बताऊं कि इसे करेंगे कैसे, किस टाइप से करेंगे, कितनी मात्रा में आपको माल डालना है, कितने रुपए का एक पैकेट तैयार करना है, जिससे आपकी कम पूंजी में अच्छा मार्जिन आपके हाथ में मिले। इसलिए इसको एक-एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुने। इसमें क्या है, इसे कहते हैं खड़ा गरम मसाला, ठीक। खड़ा गरम मसाला एक ऐसा मसाला है कि हर घर में यूज होने वाला मसाला है। आप ध्यान से सुने कि ये मसाला आपका कुल 3 रुपए में एक पैकेट तैयार करना है। 3 रुपए का एक पैकेट तैयार करोगे तो इसमें एक स्लिप में आपको 20 पैकेट लगाने, 20 पैकेट मतलब 60 रुपए का पूरा कंप्लीट तैयार करके रख लगाना है। इसमें 60 रुपए की लागत होनी चाहिए, और 60 रुपए की लागत होने के बाद इस पैकेट को आप 120 से 100 के बीच में बेचेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, आपको कम से कम 40-50% का मार्जिन आपके हाथ में होगा, ठीक। क्योंकि अगर आपने 100 रुपए का पैकेट बेचा, 60 रुपए का आपका मार्जिन तो लागत, और इसमें आपको अगर आपने 100 का बेका है तो 40 रुपए की इसमें आपको मार्जिन मिला है। तो इसी तरीके से आप जितनी मेहनत करेंगे, जिस तरीके से आप इसे सेल करना चाहेंगे, उस तरीके से सेल करो। अगर आपको ज्यादा अर्निंग करनी है तो इसकी अर्निंग के लिए एक और बहुत अच्छा है कि दुकान दुकान पे तो आप बेच के आओ ही आओ, उसके बाद जैसे छोटी छोटी मार्केट लगती है, सब्जी मार्केट, उसके आइट साइड में आप एक कॉर्नर पे लगा लो अपना, ठेली पे लगा लो या कैसे भी लगा लो। अगर आप चाहते हो, मैं बहुत ज्यादा नहीं, ये 10 रुपए का एक पाउच बिकता है, आपका 3 रुपए का तैयार होगा, आपको 7 रुपए का मार्जिन एक पाउच देगा। इससे ज्यादा मैं मुझे नहीं लगता कि कोई बिजनेस आपको फायदा देगा। इसीलिए कम पैसे में ज्यादा मार्जिन, कम पूंजी में ज्यादा अर्निंग, तो ये वो वाला बिजनेस है कि इसके लिए बहुत छोटी सी पूंजी लगानी पड़ेगी, और वो पूंजी लगाने के बाद आप दिन दोगुने रात चौगुने होते चले जाओगे। आप इसमें 2,000 रुपये लगाइए, और 2,000 रुपये से कब इसे 10,000, 10,000 से कब 20,000, और 20,000 से कब 50,000 कर दोगे पता ही नहीं चलेगा। और आपका बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना होता चला जाएगा। बस इसके लिए मेहनत चाहिए, थोड़ी सी लगन चाहिए आदमी के साथ। मेहनत और लगन दोनों चीज अगर आपके पास है तो ये बिजनेस आपके लिए है।
ये कोई भी बंदा कर सकता है, गांव में बैठ के कर लो, सिटी में कर लो, कस्बे में कर लो, कहीं भी कर लो, इसके लिए कोई एक जगह नहीं है, सभी जगह चलने वाला है, गांव में भी चलता है, सिटी में भी चलता है, बस पैकिंग करनी है, बनाना है, और अपने आइट साइड के जितने भी शहर हैं, छोटे छोटे टाउन हैं, हर जगह इसे लेके जाओ, हर दुकानदार को इसको पैकेट को दो, हर दुकानदार आपसे 100 120 रुपए के उस पे ले लेगा, 60 रुपए का आपका बना है, उसके बाद सारा आपका मार्जिन ही मार्जिन है, आप मजे ही मजे करो। मैं यही कहता हूँ कि मेरा बिजनेस आइडिया छोटा सा होता है मगर फायदा बड़ा होता है, आप एक बार करके देखिए, अगर आपको फायदा ना मिले तो मुझे रिटर्निंग मैसेज करके बताना कि हाँ जी इससे हमें फायदा नहीं मिला है। अगर आपको जानना है इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, कितना कितना डालना है, और कैसे हम 3 रुपए में एक पाउच तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, आपको मुझे कमेंट्स करना पड़ेगा, कमेंट्स करने के बाद मैं आपको कांटेक्ट करने के लिए जगह दूंगा, उस जगह पर आप मेरे को कांटेक्ट करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको मसाले में बताऊंगा कि क्या मसाला डलता है, कितना मसाला डालना है आपको, किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक। अगर कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में पूरी तरीके से आइडिया दूंगा, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कौन से एरिया में रहते हो, कौन से एरिया में कहाँ कहाँ कितना अच्छा मार्जिन मिलेगा, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको इस बिजनेस को करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, मुझे एक छोटा सा कमेंट करना है कि सर मुझे ये वाला काम करना है, तो मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में रिप्लाई दूंगा, और वो रिप्लाई आपके लिए फायदेमंद होगी। धन्यवाद।